8 जून को सुशांत को अकेला छोड़कर जाने के बाद से सुशांत की मौत के बाद तक हर दिन एक राज खुलता है तो दूसरा नया सामने आ जाता है। कई राज अपने दिलो दिमाग में दफन करने वाली रिया सच में क्या है? ईडी से एनसीबी और एनसीबी से सीबीआई, अब जांच का घेरा इसी त्रिकोण में घूम रहा है। कई दिनों तक कई राउंड की जांच के बाद जितनी परतें खुलती जा रही हैं, उतनी ही परतें रहस्य बनकर इस मामले पर चढ़ती भी जा रही हैं। अब सुशांत सिंह मौत के मामले में दो नई जानकारी आई है। उसके मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल और चैट डिटेल भी साझा किया है। वैसे ईडी ने सीबीआई को दिए किसी भी तरह के सबूत और सुराग पर चुप्पी साध रखी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना के मुताबिक एनसीबी सुशांत केस की जांच भी शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लेते थे, कुछ लोगों का ड्रग्स डीलर से कॉन्टैक्ट भी था, लिहाजा बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच शुरू करने वाली है। आठ जून से पहले तक सुशांत और रिया के बीच सब एक सपने सरीखा दिखता था। सब कुछ एक खूबसूरत प्रेम कहानी की तरह नजर आ रहा था। एक कामयाब हीरो और उसकी एक खूबसूरत प्रेमिका, दोनों को देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूजे के लिए ही बने हों। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक त्रासदी भी होती है। इस कहानी में भी मानो ऐसा ही हुआ। पीछे छूट गए तमाम राज। आखिर रिया और सुशांत के बीच क्या हुआ? आखिर सुशांत की मौत के पीछे का रहस्य क्या है? क्या सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ही है सुशांत की मौत की वजह? वो तमाम सवाल जो रहस्यों में है, वो तमाम सवाल जो रिया को खुद एक रहस्य बना रहा है। आज तक ब्यूरो।